प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है एक नई मुद्रा पर, और उस मुद्रा के बारे में बताएंगे कि वो मुद्रा हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिट करती है और कितनी ज़्यादा लाभकारी है, उसके साथ साथ उसकी विधियाँ और उसकी सावधानियाँ। तो इस सारे टॉपिक पर बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि आज हमारी मुद्रा कौन सी। तो आज हमारी मुद्रा है प्राण मुद्रा। अब प्राण मुद्रा लेने का अभिप्राय मतलब ये है, प्राण मुद्रा जो हमने ली है कि जो हमारा जीवन चलता है, जीवन का जो मूल सार है या मूल चीज है जिससे हमारा जीवन चलता है, वो है प्राण। और हम थोड़ा सा ऐसे हो गए कि प्राणों की तरफ ही हमारा ध्यान नहीं जाता। हम अच्छा खा भी लेंगे, हम अच्छे सारे काम कर लेंगे, लेकिन अपने शरीर की जो हमारे शरीर को जो वास्तविकता में ताकत देता है, उस जो हम भोजन करते हैं वो भी तभी काम करेगा जब हमारे शरीर के अंदर अच्छा सा हमारा प्राण जाएगा या मजबूती के साथ हमारा प्राण जाएगा। कि आपने देखा भी होगा कि कोई बीमार होता है और उसकी सांसों की गति बहुत ज़्यादा तीव्र रहती है, बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। तो जितनी ज़्यादा तेज सांसों की गति होती रहती है, उतना ही क्या होता है कि शरीर हमारा कमज़ोर होता रहता है, हम ताकत लगाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रहती। जैसे आपने देखा होगा अस्थमेटिक जितनी प्रॉब्लम होती है, जो दमा या जिनको भी कफ की ज़्यादा समस्या है, उनको श्वास रोग बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो उसमें क्या होता है कि उनके शरीर में इतनी एफिशिएंसी नहीं बचती, इतनी ताकत नहीं बचती कि वो कोई काम बढ़िया मजबूती के साथ कर सके, बढ़िया ताकत के साथ कर सके। इवन वो अगर 10-15 कदम भी चलते हैं तो आपने देखो कि वो हाँफने लगते हैं, थकने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा, और उनको हाथ पैर कांपने लगते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये सारा किसकी वजह से होता है? सारा उस चीज़ की वजह से होता है कि हमने अपने प्राणों का ध्यान नहीं दिया, हमने प्राणों को मजबूत नहीं किया। तो उसके कारण क्या हुआ कि हमारा शरीर हमारी कार्यों के साथ तालमेल बैठाना बंद कर गया, और उससे क्या हुआ कि हम जल्दी थकने लग गए। तो ये इतना सारा काम हमारा श्वास के थ्रू होता है, या श्वास मजबूत होने से, श्वास स्वस्थ होने से होता है। तो इसीलिए इसका यही एक कारण है कि आसन प्राणायाम, हठ योग हो या महर्षि पतंजलि का योग हो, सभी ने प्राणायाम की बात की है जिससे कि हमारा श्वास, हमारे प्राण मजबूत हो सके। तो आज हम बात करेंगे मुद्राओं पर। तो ये मुद्राएं हठ योग में आती हैं वैसे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी विधि क्या है। तो सबसे पहले विधि क्या है कि सबसे पहले हमें अगर पद्मासन लगा करके बैठ सकते तो सबसे बेहतर है। अगर पद्मासन हमारा लग सकते तो सबसे बेहतर ये हमारे लिए हो जाएगा। अगर पद्मासन भी नहीं लगता तो हमें सीधा कमर करके बैठना है, अपनी कमर हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। और सीधी रखने के बाद क्या करना है, हमें अपनी ये चितली उंगली, छोटी उंगली कनिष्ठा और ये रिंग फिंगर अनामिका उंगली, इन दोनों को हमें अपने अंगूठे के थंब के बिल्कुल ऊपर टॉपर ऐसे मिला देना है दोनों हाथों के। और ये जो बाकी उंगलियाँ हैं, ये दो, ये और ये दो उंगलियाँ, ये हमारी बिल्कुल सीधी रहेंगी। तो ये स्थिति हमारी बनेगी, दो उंगली उठाई, ये पकड़ा और यहाँ ये, और इनको फिर अपने घुटनों पर बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे बिल्कुल हमारा हाथ सीधा रहेगा। तो ये स्थिति हमारी बनेगी, ये स्थिति हमारी बनेगी इस मुद्रा में। तो ऐसे हमें लगा करके बैठना है। अब आप बात करें कि इसमें बैठना कितनी देर है। तो कई जगह जो टेक्स्ट बुक में मिलता है, उसमें कई जगह मिलता है कि इसमें बैठने के बाद मतलब हम 20 से 30 सांस तक बैठना चाहिए, और कई जगह मिलता है कि हमें 48 मिनट कम से कम इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। 48 मिनट जो अगर एक साथ एक बार बैठने के बाद 48 मिनट करना संभव नहीं है तो फिर कैसे करना है इसका अभ्यास? तो फिर हमें इसको 16-16 मिनट में तोड़ करके कर सकते हैं। तो 16-32-16-48 16 मिनट सुबह कर दिया, 16 मिनट दोपहर को कर लिया, 16 मिनट शाम को कर दिया। वैसे इसको, इस मुद्रा को करते हुए कोई समय की बाउंडेशन ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब हम भोजन इत्यादि कर लेते हैं तुरंत उसके बाद ना करें, या बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लेते हैं तो उसके बाद ना करें। और क्या हो सकता है कि अगर हमारे कमर में दिक्कत है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है हमारी अपान वायु को, तो अपान वायु का जब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है तो हो सकता है कि उससे हमारी जो कमर है उसका पेन बढ़ जाए। तो इसलिए कमर के दर्द में और एक्सरसाइज करने के बाद, एक्सरसाइज में और भोजन करने के बाद, उन स्थितियों में इनका अभ्यास ना करें। तो अब ये तो सारी बात हो गई इसकी कि इसको कौन कैसे करें और कैसे ना करें और क्या क्या इसकी सावधानी। अब बात करते हैं इसके होने वाले फ़ायदे, क्योंकि फ़ायदे क्या है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है इसका, वो क्या करते हैं हमारे, ये हमारे ब्लड जो सर्कुलेशन होता है उसको प्रॉपर करती है। इसका मतलब क्या है कि ना तो बीपी हाई होगा ना बीपी लो होगा, बिल्कुल एक मेंटेन पोजीशन में हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा। कुछ ना उच्च रक्तचाप होगा ना हमारा निम्न रक्तचाप होगा। उसके साथ साथ क्या करती है, हमारी बॉडी में इंसुलिन के प्रवाह को बढ़ाती है। इंसुलिन का प्रवाह मतलब ये क्या करती है कि अग्नि जो हमारी मुद्रा, ये जो मुद्रा है इसमें अग्नि, पृथ्वी और आकाश तत्व का जो है वो मतलब कॉम्बिनेशन बनता है। तो उसके बनने से क्या होता है, ऐसा मतलब टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो उसके बनने से क्या होता है कि हमारे जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो बेहतर तरीके से काम करता है। हमारे शरीर में जो डाइजेशन सिस्टम हमारा जो काम करता है वो बेहतर तरीके से काम करता है। उसके होने से क्या होता है कि बॉडीज के अंदर इंसुलिन निकलता भी है और भोजन में पच भी जाता है, इसलिए मधुमेह में ही हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है।
उसके साथ साथ क्या करता है, ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगी तो उससे क्या होगा कि वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। उसके साथ साथ क्या करते हैं, ये हमारी चंचलता और बेचैनी को बिल्कुल अच्छी तरह से समाप्त करता है। चंचलता जो हमारा मन जितना ज़्यादा चंचल होता है, उतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, उतने ज़्यादा दिक्कतों में घिरे रहते हैं, तो ये हमारे उस चीज़ को अच्छा करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि हमारी आंखों की देखभाल बहुत अच्छे से करता है। अगर किसी की आंखें कमज़ोर हैं तो इसका आप अगर एक महीने तक लगातार अभ्यास कर लें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा और आपकी जो नज़रें हैं वो जो कमज़ोर हो चुकी हैं वो वापस ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इतना बेहतर हमारे शरीर के लिए काम करता है। इसके साथ साथ क्या काम करता है, ये हमारे शरीर की ऊर्जाओं को बचा करके रखता है। ऊर्जाओं को हमारे शरीर में मतलब स्टोर रखता है। ऊर्जा जो प्रवाहित होती है हमारे शरीर की, उस ऊर्जा को इधर उधर ना फेंक करके हमारे शरीर में ही वो स्टोर रहती है बेहतर तरीके से, जिससे कि हमारा शरीर और मजबूत स्थिति में काम करता है और अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये हमारे इतना अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ क्या करता है, हमारे दिमाग को सरलता देता है। दिमाग को सरलता मतलब कि दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा भागता नहीं है, बहुत ज़्यादा चंचल नहीं रहता, बहुत इधर उधर नहीं भागता। उससे क्या होता है कि क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा दिमाग है ना, ये हमारा सर है, ये खोपड़ी है, ये हमारे ऊर्जा का 70% भाग ये यूज करता है। तो जब ये यूज करता है तो क्या है कि 30% में पूरी बॉडी और 70% में ये, तो ऐसा करने से क्या होगा कि इसके ऊपर तो इसमें ज़्यादा ताकत लगेगी, मतलब क्योंकि इससे हमारी, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वो जैसे कान सुनने की है, आंखों की है, देखना, तो वो क्या करती हैं कि वो किसी नए नए उस पर उद्दीपकों पर लग जाती हैं, तो स्टिमुलेशन पर चली जाती है। तो वहाँ जाने से क्या होता है कि हमारी ऊर्जाओं का फ्लो बढ़ता है, हमारी ऊर्जाएं शरीर के अंदर से बाहर निकल कर भागती है। इसलिए हमारा दिमाग सबसे, हमारा जो खोपड़ी है वो सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करता है। तो वो जब नियंत्रित हो जाएंगे, वो जब संयमित हो जाएंगे, तो हमारी ऊर्जाओं का प्रवाह बाहर बहने की तरह वो रुक जाएगा, तो हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार ही हमारे सांस उसके लिए काम करता है। मानसिक संवेदों को दूर करता है, हमारी जो संवेदनाएं हैं, इमोशंस हैं और भावनाएं हैं उनको नियंत्रित करता है, उनको संयमित करता है, जिससे कि ना तो अगर भावनाएं हमारी नियंत्रित हो जाएं, संवेदनाएं हमारी नियंत्रित हो जाएं, तो क्या होगा कि किसी व्यक्ति को हम दुखी देख करके बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, उसके दुख में हम रोने नहीं लगेंगे। हाँ, हमारी मतलब जो उसके प्रति करुणा है, वो करुणा का भाव तो जागृत होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उसको दुखी देख करके रोने लगे, क्योंकि रो करके ऐसा कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है। हम उसके सोल्यूशन के लिए कुछ प्रयत्न कर सकते हैं, तो वो हमारी संवेदनाएं अगर ठीक हो जाएंगे तो इतना काम हमारा हो जाएगा। या किसी मतलब कभी क्रोध आ जाए तो हम किसी को अपशब्द कहने लगे, तो उन चीज़ों से हमारे मन को रोकता है, उन चीज़ों से हमारे मन को मजबूत देता है, ताकत देता है, तो हम फिर ये छोटी छोटी क्रियाकलाप होती है वो रुक जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में ही रह जाता है। अब इसका एक सबसे बेहतर जो रिजल्ट है वो ये है, इंस्टेंटली रिजल्ट देता है कि जब हमारे जो हम थकान लग जाते हैं हमारे शरीर को, ये थकान को बहुत जल्दी दूर करता है, बहुत अच्छी तरीके से दूर करता है। और इसका एक ये भी प्रभाव होता है कि हमारे शरीर को ना जवान बनाए रखता है, हमारी त्वचा को जवान बनाए रखता है। जवान मतलब कि मतलब हमारे उम्र का जो प्रभाव होगा हमारे शरीर पर या किसी भी प्रकार से, वो धीरे धीरे जाएगा, वो उतनी गति से नहीं जाएगा जिस गति से सामान्य लोगों का बढ़ता है। तो जब हम इसका अभ्यास करने लगते हैं तो हमारे इतना शरीर को फायदा होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और ये क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसको बढ़ाता है, जिससे कि हमारा हृदय मजबूत होता है। तो हमारा हृदय मजबूत होता है, इससे डाइजेशन सिस्टम के लिए हमारे बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी पेट के जो हमारे अंग हैं, क्योंकि जो वात का जो क्षेत्र है, सॉरी मतलब जो वात जो बिगड़ती है हमारी, वो बिगड़ती है हमारे एब्डोमिन के नीचे, एब्डोमिन के आसपास वाले भाग से, क्योंकि भोजन सारा का सारा हम यहीं ग्रहण करते हैं, यहीं हमारा भोजन जाता है। तो यहाँ जाने से क्या होता है, अगर वो ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो उसका सड़ना शुरू हो जाएगा, उसमें से गैस बननी शुरू हो जाएगी, और वो गैस फिर हमारे मतलब पूरे शरीर को परेशान करती है। तो वही जाकर के फिर हमारे जॉइंट्स में बैठती है, कई जगह बैठती है, तो उससे क्या होता है कि फिर दर्द होना शुरू होता है शरीर में। तो ये उसको भी मतलब प्रोटेक्शन देता है हमारी बॉडी को, जिससे कि वो वात ना बने हमारे शरीर में, वात ना प्रकोपित हो, बिगड़े ना, और हमारा शरीर अच्छी तरह से काम करता रहे। तो ये इतना काम हमारे शरीर के लिए करता है। इसके साथ साथ क्या करता है, जिन व्यक्तियों के शरीर से पसीने की दुर्गंध आती है, कई लोग देखे होंगे कि अगर उनको थोड़ा सा पसीना आ जाए तो उनके पास बैठना मुश्किल हो जाता है, उनके पास हम बैठ नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। क्योंकि इसका अभ्यास करने से क्या होता है कि स्वेटिंग ग्लैंड जो होते हैं वो हमारी एक्टिवेट हो जाते हैं, ज़्यादा पसीना निकालते हैं, ज़्यादा पसीना भी निकालेंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, वो हमारी जो शरीर की दुर्गंध है उसको भी हमारे शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देती है। शरीर की दुर्गंध बाहर निकल जाती है तो हमारा शरीर एक सौम्य स्थिति में आ जाता है, जिससे कि वो जो दुर्गंध है वो दूसरों को भी परेशान नहीं करते और हमें खुद को भी परेशान नहीं करते। तो ये इतना फायदा हमारे शरीर के लिए करता है। तो मुझे उम्मीद है कि जब आगे से आप कभी भी योगासन करेंगे या प्राणायाम करेंगे, जो हमने बताए हुए हैं पहले से जो कुछ चीज़ें, तो अगर उसमें आप इसको भी डाल लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा।
तो और ये इतना शरीर के लिए फायदेमंद होगा, शरीर को फायदा ही होगा, शरीर को नुकसान नहीं होगा। जैसे आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते हुए हमें इस मुद्रा का अभ्यास कर लेना है, तो किसी भी स्थिति में जिसमें हम नॉर्मली कर सकते हैं, हम उस स्थिति में हम इसका अगर पालन करें तो ये हमारे शरीर को तो दिनों दिन बहुत अच्छी तरीके से ये शरीर को मजबूत भी करता रहेगा, स्वस्थ भी करता रहेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाता रहेगा, जिससे कि हमारी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो तो स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तो इतना काम हमारे शरीर को नहीं करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका इसे करेंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। और इसी के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और एक बात और कि अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या योग से रिलेटेड जीवन से, तो आप मतलब हमसे पूछ सकते हैं, हमारे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम उसको उत्तर दें, अगर हमें नहीं आता होगा तो हम सीख करके उसको उत्तर देंगे। तो इनके साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।